सब आपका मेरी एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो गाइज सुबह के बज रहे हैं 8:30, इस टाइम से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। और आज बाबू स्कूल नहीं गया क्योंकि उसकी तबीयत थी ख़राब, इसलिए मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा। उसको लेके जाऊंगी डॉक्टर के आज। फिर मैंने सोचा आज थोड़ी सी, एक कमरा हमारा है कबाड़ खन्ना पड़ा रहता है, उसकी आज मैं थोड़ा साफ़ सफाई कर लेती हूँ फटाफट से। साफ़ सफाई देखो आप, ये हमारी कोल की है ना, ये पूरी गंदी पड़ी है, देखो क्या हाल हो रहा है इसका। देखो मैंने आधा सामान तो ऊपर पहुँचा दिया, इसको आज बिल्कुल अच्छे से क्लीन करके इसमें मेज सेट कर दूँगी। एक हमारी देखो वो मेज वहाँ एक्स्ट्रा पड़ी है, ये सब सफाई करूँगी मैं आज। वहाँ पे एक मेज एक्स्ट्रा है, उसको यहाँ पे लगा के, और जो सब सामान है ना वो यहाँ सेट कर दूँगी, क्योंकि हमारा एक्स्ट्रा सामान रहता है इसमें। कोल की है ये, कोल की बोलते हैं इसको, कोल की ये है गाइज, कोल की। इसमें सारा एक्स्ट्रा सामान पड़ा रहता है, फिर अच्छे से इसकी साफ़ सफाई करके सारा सामान इसमें सेट करके फिर दिखाती हूँ आपको। ये कमरा भी साफ़ सफाई करके सारा, देखो बहुत सामान निकाल रखा मैंने आज, देखो दुनिया भर के हमारे पापा के औजार पोजार बहुत हैं, पता नहीं क्या क्या बनाए जाते हैं। इस वजह से मैं फटाफट से ये वाला काम ख़त्म कर दूँ, मैं कुछ तो फ़ायदा उठाऊँ आज बाबू की छुट्टी का। इसकी अभी अपॉइंटमेंट भी लेनी है मेरे को, इनके पापा जा रहे हैं ड्यूटी, आके लेंगे वे। तब तक के लिए मैं कर लेती हूँ काम वगैरह फटाफट से। गाइस देखो मेरा बेटा भी मेरी हेल्प करा रहा है। नन्नू कहाँ लेके जा रहे हो इनको? बेटा पहले चप्पल पहन फटाफट से, क्योंकि खांसी इसको बहुत ज़्यादा है और कुछ नहीं है। अब मैं इसको लगा देती हूँ फ़ोन को स्टैंड पे फटाफट से। Thank you.
गाइस देखो मैंने सब सामान सेट कर दिया, इधर से सब खाली कर दिया, ये थोड़ा घना सामान है, ये मेज यहाँ पे लगा दी, ये जो मेरे हैं टप कपड़े वगैरह धोती जब यूज़ करती है, पप्पा का सामान है, ये ऐसी खाली है, कुछ इसके नीचे सेट कर दिया है मैंने सामान। हाँ बिल्कुल साफ़ हो गई, अब डर नहीं लगेगा, पहले डर लगता था कभी, लुल्लू बुल्लू बड़ा, अब रह गया इधर का, इधर का भी मैं फटाफट से कर देती हूँ साफ़, फिर मिलती हूँ आपको। मैंने सारी साफ़ सफाई कर दी है, सब सामान सेट कर दिया है। ये गाइज हमारा एक्स्ट्रा कमरा ही है, वैसे साफ़ सफाई में कम करती थी, कभी कभार करती हूँ बस अच्छे से, फिर फैल जाता है फिर कर देती हूँ। ये इन्वर्टर सबकी साफ़ सफाई करती है, देखो अब बस मुझे ना पोछा लगाना बाकी है, पोछा क्या धो दूँगी इसको फटाफट से, शीशा साफ़ करूँगी, देखो सारा शीशा गंदा हुआ पड़ा है मेरा। ये बाबू ने नेल पेंट वगैरह लगा दी है, मानता नहीं है किसी की, फट देने से इसको भी क्लीन कर देती हूँ, इधर धो देती हूँ। अभी पल्ली साइड का भी पोछा वगैरह सब कुछ रह रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे ही लग गई थी काम करने। अब गाइज ये भी कमेंट मत करना कि भाई कितना गंदा रहता है, सफाई में बहुत करती क्योंकि बहुत बड़ा घर है हमारा, पुराने ज़माने की हवेली है, हवेली तो जितना साफ़ करो उतना ही थोड़ा। वैसे मैंने सब कुछ क्लीन कर दिया अब अच्छे से, बस मेरे को धोना है बाकी, अब काम वाम करने के बाद ही मिलती हूँ आपको सीधा नहा धो के। हेलो गाइज, तो काम वगैरह मेरा हो गया सब, गाइज मैं नहा धो के आ गई हूँ, और पतिदेव जी ने बाबू का नंबर भी लगवा दिया, हमारा चौथा नंबर, 5 बजे डॉक्टर बैठता है बुराड़ी से, ना तो क्या मैं बाबू की मैंने खिचड़ी बना दी है, खिचड़ी वगैरह खा चुका है, ये रहा खिचड़ी वगैरह खा चुका है, और मैं भी अब खाऊंगी खिचड़ी, थोड़ी सी भूख लग रही है, सुबह से मैं काम में लग रही हूँ ना इस वजह से, अब तो जब आएंगे तभी खाना वाना बनाऊँगी मैं फटाक से, डॉक्टर के जाएंगे शाम को गाइज। बाबूजी की खांसी में आराम नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है इसको, हेलो बोल दे बेटे, हेलो, बहुत खांसी हो रही है गाइस इसको बहुत ज़्यादा। अब मैं फटाफट से खा लूँ खाना वगैरह, जब शाम को डॉक्टर के जाएंगे फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस हम हो चुके हैं रेडी डॉक्टर के जाने के लिए, फटाफट से इसके पापा का फ़ोन आ गया, कह रहे फटाफट से आ जाओ बैंक पे, अब हम जा रहे हैं डॉक्टर के, मिलते हैं आपको फिर डॉक्टर के मिलते हैं सीधा। गाइस हम चल दिए हैं डॉक्टर के, पहुंच गए हैं डॉक्टर के हॉस्पिटल में। हाँ गाइज हम पहुंच गए हैं हॉस्पिटल, अब डॉक्टर साहब बैठे नहीं है, बैठने वाले हैं बस, कोई कोई मिनट जा रही है। ये दोनों बापू बेटा देखो कहाँ बैठे, डॉक्टर के आ गया। तो गाइज डॉक्टर के से हम आ गए हैं, देखो नारियल पानी पीने में लग रहा है, रास्ते में चिपट गया नारियल पानी, दूध वगैरह सब बंद कर दिया इसका डॉक्टर ने, चाय वगैरह सब कुछ बंद कर दिया, कह रहा बाहर की चीज़ नहीं खानी, अब सिर्फ ये खाएगा खिचड़ी दलिया, वो डॉक्टर बोल रहा है इसके खाने पीने पे थोड़ा हल्की डाइट रखो, ज़्यादा हैवी नहीं, सब कुछ ख़त्म, क्योंकि वहाँ पे गाइस ले नहीं पाई थी मैं क्लिप क्योंकि बहुत भीड़ हो रही थी मेडिकल स्टोर में बहुत ज़्यादा। फटाफट से फिर हम बैठे गाड़ी में आ गए, फटाफट से अब घर उसको दवाई वगैरह दूंगी।